कई लोगों का सवाल था कि जी दुबई से आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं या कुछ और शॉपिंग करते हैं, उसका वैट कैसे रिफ़ंड होता है। तो आप जैसे एयरपोर्ट टर्मिनल पे आएंगे, वहाँ पे ना एक ऐसे स्टोर रहेगा। आप जैसे ये प्लैनेट का वैट रिफ़ंड है, ऐसे ही फैंडी का भी वैट रिफ़ंड का स्टोर हो सकता है। दो तरीके के स्टोर हैं यहाँ पे, प्लैनेट स्टोर और फैंडी स्टोर। तो जब भी आपको बिल मिलेगा ना, ऐसे बिल मिलने वाला है आपको। जो भी जैसे मैंने सामान ख़रीदा तो एक शॉप से, तो उन्होंने बिल दिया, लेकिन पीछे ना उस बिल के पीछे उन्होंने एक स्टैम्प मारी है प्लैनेट टैक्स फ्री। मतलब ये जो बिल है ये सिर्फ आपका प्लैनेट के स्टोर से ही आपको वेट रिफ़ंड दिला पाएगा। तो ये प्लैनेट का ही मुझे वेट स्टोर मिल गया। तो यहाँ से मैंने वेट रिफ़ंड के लिए जब आया, देखो आप अभी यहाँ पे ना लाइन लगी हुई है, मैंने अपना करा लिया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको ये इनवॉइस चाहिए होगा। इनवॉइस के साथ साथ पीछे, इनवॉइस के पीछे ना, इनवॉइस अगर ये है तो इनवॉइस के पीछे ऐसे ये स्ट्रिप लगा होना चाहिए। प्लैनेट का अगर है तो प्लैनेट के स्टोर पे जाना है आपने, अगर फैंडी का है तो फैंडी के स्टोर पे जाना है। उसके बाद जैसे इसमें ना टैक्स आइटम लिखा हुआ है ऑलरेडी, जैसे इसमें लिखा हुआ है वैट 5%, हर एक आइटम पे लिखा रहेगा। तो आपको 5% मतलब जैसे ये अमाउंट का 5%, 5450 दिरहम का 5% इज़ 272.50 दिरहम। तो इतना आपको यहाँ से वापस मिल जाएगा। कैसे वापस मिलेगा बताता हूँ। ऐसे ही सिमिलरली सारे बिल्स पे आपको 5% का जो वैट है वो आपको वापस मिलने वाला है। तो आपने यहाँ पे अपना बिल वेरीफाई कराना है। बिल के अंदर जो जो आइटम्स हैं आपने वो सारे आइटम्स दिखाने हैं। आप देखो यहाँ पे लोग सारे बैग लेके खड़े हैं और वो पर्टिकुलरली ना एक एक आइटम को निकाल के दिखाना पड़ रहा है, तभी वो बिल को वेरीफाई करेंगे। और जो भी बिल का टोटल अमाउंट का 5% बनेगा, वो 5% आपको क्रेडिट दे देंगे। क्रेडिट कैसे देंगे, वो आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रहेगा, वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके उसकी डिटेल अपने सिस्टम में डालेंगे, आपके पासपोर्ट की डिटेल अपने सिस्टम में डालेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी फ़्लाइट कहाँ की है, कितने बजे की है, ये डिटेल्स देंगे। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल अपने सिस्टम में डाल के और आपसे वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई करोगे, उसके बाद आपको बोलेंगे कि आपके अकाउंट में ये जो पैसे हैं ये 5 से 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो आपको एक एक सामान निकाल के दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर आपने सामान पैक किया है तो उसको यहाँ पे आके अनपैक करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पूरा सामान अगर पैक ठीक से किया है तो उसको अनपैक करने के लिए तैयार रहें इधर वेट रिफ़ंड स्टोर पे आके। फिर यहाँ से आप सामान वेरीफाई करा के जा सकते हैं, तो फिर वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो प्लैनेट का स्टोर है उसके अपोजिट साइड पे बैठ के मैं सोचा एक वीडियो बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये जो भी लोग सवाल पूछते हैं कि भैया टैक्स कैसे वापस मिलना है, क्या प्रोसीजर है, कितना वापस मिलना है, कहाँ पे आएगा, कैश मिलेगा, अकाउंट में जाएगा, और उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। मेक श्योर कि जो भी आइटम्स आपने ख़रीदे हैं उसके पीछे वो शॉपकीपर जो अपने आप ही प्लैनेट का या फैंडी का स्टिकर लगा देगा। ये इनके स्टोर आपको यहाँ मिल जाएंगे एयरपोर्ट पे, और फिर उस स्टोर पे जाके आप अपना जो 5% आपने पे किया है वैट वो वापस मिल जाएगा। दे विल ट्रांसफ़र इनटू योर अकाउंट। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ना, ये यहीं पे है, एकदम सामने बैठ के मैं ये शूट कर रहा हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।